नाउ सबसे पहले बेसिक्स, कई लोग इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि क्या चाइना ने एचडीएफसी बैंक को एक्वायर कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एचडीएफसी ग्रुप एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सी इनकी कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी पेंशन, इनका म्यूचुअल फंड भी है, और उस सब के अलावा एचडीएफसी लिमिटेड भी है जो एक हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। नाउ चाहे ये एचडीएफसी बैंक इसका नाम ना हो, मगर एचडीएफसी लिमिटेड अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की मार्केट में, एटलीस्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में इसका सिग्निफिकेंट शेयर है। नाउ एचडीएफसी लिमिटेड में स्टेक एक्वायर किसने किया है चाइना में? देखिए, चाइना में जो सेंट्रल बैंक है, जिस तरीके से इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, उसी तरीके से चाइना में है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ये बैंक ऑब्वियसली जो RBI यहाँ पे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी सेट करना और रेपो रेट वगैरह सेट करना, वही सब काम ये चाइना में करता है। तो इन्होंने यहाँ पर करोड़ों की संख्या में HDFC लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एसेट के मामले में 2017 से सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक है इन द वर्ल्ड। बिकॉज आपको पता होगा चाइना की जो फाइनेंशियल हालत है वो इतनी स्ट्रांग है कि इनका जो सेंट्रल बैंक है वो भी ऑटोमेटिकली काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी बिल्डिंग है, ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन बीजिंग, द कैपिटल ऑफ चाइना। नाउ न्यूज हमको ये बता रही है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, अब इनका जो टोटल स्टेक है HDFC लिमिटेड में ये 1.01% हो चुका है। और रिसेंटली इन्होंने 1.75 करोड़ शेयर्स परचेज किए हैं HDFC लिमिटेड के। मगर यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि अप्रैल 2020 में जब ये पेंडेमिक फैल गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तभी अचानक से इन्होंने 1% उठा लिया। ऑलरेडी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना करीब 0.80% स्टेक अपने पास रखता था, मतलब कि इतना स्टॉक इनके पास ऑलरेडी था। अभी रिसेंट इन्होंने जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, अप्रैल में भी नहीं, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में बाइंग करके अपना स्टेक 0.21% बढ़ाया है। तो अब इनका जो टोटल स्टेक है अब हो चुका है 1.01%। तो ऐसा नहीं है कि 1% इन्होंने अचानक से कोरोना वायरस फैलने के बाद उठा लिया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, 0.21% स्टेक इंक्रीज करना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं फॉर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, क्योंकि बहुत ज़रा कम पैसा इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और ये भी नहीं है कि HDFC लिमिटेड में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अकेली फॉरेन एंटिटी है जिसके पास इतना बड़ा स्टेक है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ BSE की वेबसाइट पे कि HDFC लिमिटेड में जो शेयर्स का परसेंटेज है वो बेसिकली कौन कौन अपने पास रखे हुए है आज के समय। यहाँ पे आप देखेंगे, इस वक्त हमें BSE की वेबसाइट पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देखोगे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HDFC लिमिटेड, और ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे कौन सी एंटिटी कितना ओन करती है शेयर। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है वो भी करीब इनके 3.3% टोटल शेयर अपने पास रखती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना के पास यहाँ पर शेयर है, सिंगापुर के पास भी है। और ये बड़ा कॉमन होता है, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स होती है अराउंड द वर्ल्ड, उनको अगर लगता है कि किसी कंपनी में पोटेंशियल है तो एक सर्टन परसेंटेज ऑफ शेयर वो अपने पास रखते हैं, या फिर उस कंट्री का सेंट्रल बैंक वहाँ पे बाइंग कर लेता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, उसके अलावा यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, फिर यहाँ पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 1.01% है। इससे आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत बड़ा स्टेक एक्वायर कर लिया, काफ़ी छोटी मात्रा में इन्होंने यहाँ पर परचेजिंग करी है। मगर प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि दुनिया भर में चाइनीज कंपनीज जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इतनी परचेजिंग क्यों कर रही है? ना सिर्फ चाइनीज कंपनीज, उनके सेंट्रल बैंक, उनके यहाँ जो मेजर सरकारी बैंक्स हैं वो भी इतनी बाइंग क्यों कर रही है? तो देखिए, यहाँ पे डाउट तो साफ खड़ा होता है कि चाइना के पास इतनी ज़रा तैयारी करने का टाइम कैसे रहा? बेसिकली उन्होंने इतनी बढ़िया प्लानिंग पहले से कैसे कर रखी थी? फॉर एग्जांपल, अब ऑयल के दाम है, क्रैश कर चुके हैं, आपको पता है क्रूड ऑयल क्रैश कर चुका है। अब कई कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमने तैयारी नहीं की, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग अभी भी इतनी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहे। मगर चाइना ने ऐसे नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइना ने रिकॉर्ड वॉल्यूम में रशिया से ऑयल खरीदा है, जैसे ही क्रूड ऑयल क्रैश कर गया अपने सारे जो रिजर्व्स हैं ये इन्होंने फुल कर लिए हैं, और ये इन्होंने किया है बिटवीन जनवरी टू मार्च। अब इनको कैसे पता लग गया कि क्रूड ऐसे गिरेगा, यही जाने। फिर उसके अलावा जो कोरोना वायरस को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है कि सीधा वुहान और जो उनका हुबी प्रोविंस है
वही तक कंटेन रहा। बीजिंग और शंघाई में कुछ केसेस आए, मगर वो हालत नहीं हुई जो आज के समय न्यूयॉर्क की है या फिर इटली की सिटीज की है। तो उसकी वजह से चाइना का जो स्टॉक मार्केट है ये रिबाउंड भी जल्दी हुआ। तो इस वजह से दुनिया का सबसे पावरफुल और स्ट्रांग स्टॉक मार्केट आज के समय है चाइना का, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, अब फाइनली चाइना क्या कर रहा है कि यूरोप प्राइमरली स्पेन और इटली जिन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, वहाँ पर भी जिस तरीके से HDFC के शेयर गिरे हुए हैं ना, 30%, 40%, कई जगह 50% शेयर भी गिरे हुए हैं, इतने सस्ते दामों पर बहुत ही भारी मात्रा में वो शेयर्स उठा रहे हैं और धीरे धीरे कंपनीज में अपना जो हिस्सा ये बढ़ा रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए कुछ कंट्रीज हैं यूरोप की, फॉर एग्जांपल स्पेन और इटली, उन्होंने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं कि फॉरेन बाइंग एक सर्टन परसेंटेज 10% या फिर 9% के ऊपर हो नहीं सकता। वो रिस्पेक्टिव कंट्री पर डिपेंड करता है कि उनके हिसाब से लॉस कितने हैं, मगर हॉस्टाइल टेक ओवर, फॉरन हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन इंडिया के सामने ये है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है काफ़ी ज़रा क्रैश कर चुकी है, कई हमारे शेयर्स हैं बहुत सारे बैंक्स के, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक। कल को अगर मान लो चाइना वहाँ पर बड़ी बाइंग करता है, 4% 6% स्टेक उठा लेता है, तो हम क्या करेंगे? हम एक तरीके से हम ज़रा डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑन चाइना। तो कहीं ना कहीं हमको भी सोचना होगा कि जो यूरोप कर रहा है क्या हमें भी वो करना चाहिए, या फिर हम चाइना को देखें एज ए सेवियर कि अभी के लिए देखिए बायर कोई आएगा नहीं। जो हमारे बायर थे फॉरेन इन्वेस्टर्स US के, वो तो भाग गए, उन्होंने सारा अपना यहाँ पे स्टॉक डंप कर दिया, वो US में है। अब US में रिसेशन कब खत्म होगा, कब उनकी इकोनॉमी रिवाइव होगी? अब इलेक्शन के टाइम में ट्रंप हार गए, जो बाइडेन जीत गए तो कुछ और होगा। तो ऐसे टाइम में अगर चाइना बाइंग कर रहा है तो इनको करने दो, कम से कम कुछ कैश तो आ रहा है। तो इंडिया को यहाँ पर सोचना होगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये मैं बता दूँ, जो हमारा निर्णय होगा ये आने वाले कई दशकों तक हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाला है। नाउ आपके हिसाब से इंडिया की स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।